हेलो हाय नमस्कार नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और ये है मेरी चैनल साइड इति क्रिएशन। आज मैं बॉटल आर्ट लेके आई हूँ। बोथ साइड बॉटल आर्ट है, जो कि वन साइड मैंने एलिफेंट ड्रॉ किया है और अदर साइड मैंने पिस्ता शेल्स का यूज़ किया है। आपको जो भी साइड आपको ज़्यादा अच्छा लगे या फिर आप ऐसे वाइस वर्सा उसको मतलब बैक टू बैक करके आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ये जैसे इसका कंप्लीट लुक है, फिर उसके आगे चल के हम उसको देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। सो, मैंने उडेन का वाज लिया है, उसका वेस कलर हम लोग ब्लैक कलर से करेंगे और स्पॉन्जी मटेरियल से करेंगे। सो, एक टिप्स बताना चाहती हूँ, जो भी जिस सरफेस पे आप ये कलर पेंटिंग ये सब करें उस सरफेस को आप थोड़ा ऑयल से उसको थोड़ा रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मैं बाद में आपको बताऊँगी। चलिए सो, पहले हम लोग इसको कलर करते हैं। स्पॉन्ज मैंने थोड़ा सा थोड़े क्वांटिटी में उसको लेके उसको हल्के हाथ से उसको जस्ट ऐसे टैप करना है। तो देखिए एकदम फिनिश लुक आएगा स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज यूज़ करने से। सो, ये जो कलर देखिए लग गया है सरफेस पे, इसको हम लोग थोड़ा हल्के हाथ से इसको पोछेंगे ना तो ये निकल जाएगा। किस लिए पता है, ये जो हम लोग ऑयल यूज़ किया था ना उसका नतीजा है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा एलिफेंट कैसे ड्रॉ करते हैं उसका थोड़ा टिप्स देते हैं। इसको जस्ट आपको रेक्टेंगल बनाना है, ओके। देन रेक्टेंगल के ऊपर से थोड़ा हल्का अच्छे से सर्कल इस तरीके से, बहुत इजी बना मतलब बहुत इजी तरीके से ये एलिफेंट बन जाएगा। देखिए मतलब चारों साइड में आपको ऐसा करना है, फिर इसका जो है सूर बनाना है। ये बन चुका है, देन आप उसमें आइज ड्रॉ कर लीजिए। ये इसका टीथ है और इसी लेवल से आप इसका जो लेग्स होता है उसको आप ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस से ये बन जाता है एलिफेंट, क्योंकि पेंटिंग वगैरह में प्रॉपर शेप में तो एलिफेंट नहीं चाहिए होता है। ऑलमोस्ट लुक लाइक एलिफेंट, तो जो मतलब नए आर्ट में थोड़ा कच्चा है, मतलब आर्ट उतना नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी होगा। चलिए तो देखिए इसमें बीड्स यूज़ करेंगे। मैंने गोल्डन कलर का बीड्स यूज़ किया है, आप कुछ भी कलर ले सकते हैं जो कलर कंट्रास्ट में ज़्यादा अच्छा हो। इस तरीके से एडहेसिव आपको लगाना है और बीड्स को ऊपर से ऐसे डाल देना है और हल्के आर से इसको ऐसे पुश कीजिए। आफ्टर 10 मिनट्स ये अच्छे से चिपक जाएगा। और देखिए एलिफेंट का जो मैंने ड्रॉ किया था उसके सर्कल उसके चारों ओर मैंने बीड्स यूज़ किया है। एक एक करके हम लोग एक बीट्स को से लगाएंगे। आप इजी होगा, आप कोई यूज़र यूज़ करें जिसे आप अच्छे से पकड़ सके उसको। ये
फिर उसको हम लोग इसके अपर साइड में हम लोग ये डिज़ाइन करेंगे। पहले आप आर्ट में ये ध्यान रखिएगा, पहले आप जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है शेप ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको आप कवर करना हो तो कवर कर दीजिए, शेडिंग करना हो तो शेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डॉट्स यूज़ कर रही हूँ, सिंपल सा आप मैथ स्टिक यूज़ कर लीजिए डॉट्स देने के लिए। ये बन चुका है, देन ये फ्लावर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये मैंने पहले क्रॉस देन मल्टीप्लाई देन उसको फिर बीच में से ऐसे बीच में से ये के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर बन गया। नाउ इसके देखिए, चलिए आगे देखते आगे किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पर देखिए मैंने बॉल चेन का यूज़ किया है, आप ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे उसको कवर करने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ता शेल्स लिए हैं, उसको हम लोग कलर करेंगे। थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में मीडियम लेंगे, मीडियम के साथ हम लोग गोल्डन डस्ट मिक्स करेंगे। आप उसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस हम लोग पिस्ता शेल्स को इस तरीके से कलर करके रख देंगे, जितना 10-12 करने से हो जाएगा। आपका बॉटल आपका कितना बड़ा है उस साइज़ के हिसाब से। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि कैसा आपको लगा। इस तरीके से आपको और भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप साइड में जो बेल आइकॉन है उसका प्रेस कर दीजिए, सो इससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स शेयर किया है। एक छोटा सा टिप्स है, ये टाचूड है, एशियन पेंट का टाचूड है, इसको वर्निश भी कहते हैं। जब आपका पेंट पूरे अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए फिर उसको आप उस ऊपर से आप उसमें पेंट कर दीजिए, इससे क्या होगा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो दिस इज़ कम्प्लीट लुक, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आती हूँ और भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेके, तो तब तक के लिए आप सबको टाटा।